अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज शिराज में मेरा दूसरा दिन है ऑफिशियली, और आज मैं निकला हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। आप देख सकते हैं ये इरम स्ट्रीट है यहाँ पे, जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ। ये बैकग्राउंड में कितनी खूबसूरत जो स्ट्रीट है, इसका नाम है इरम स्ट्रीट। और ये इरम गार्डन सामने आप देख सकते हैं, ये इरम गार्डन है और ये इसके बिल्कुल साथ में लगती है। बहुत मज़े की ये इन्होंने बनाई हुई है, मुझे तो ये स्ट्रीट बहुत पसंद आई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड है, लेकिन बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में इन्होंने बनाई हुई है, साफ शफाफ और बहुत मज़े की गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं। जो सबसे फेमस अट्रैक्शन है यहाँ की, वो नसरुल मुल्क मास्क, और वो उसको पिंक मास्क भी बोलते हैं, जो उसका निक नेम है। और बहुत बहुत मज़े की जगह है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वो विज़िट करने के लिए। इस साइड पे मेरे सामने जो है वो इरम गार्डन है, जो कि अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन मैंने खुद एक बार देख लिया है। अभी मैं इसकी भी एक वीडियो मैं इसके बाद बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा। बहुत ही मज़े का ये गार्डन है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। सामने इसकी साइड पर एंट्रेंस है, और ओवरऑल ये भी इरम गार्डन बहुत फेमस है यहाँ पर। तो फ़िलहाल अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ नसरुल मुल्क मास्क, और आज की वीडियो में आपको नसरुल मुल्क मास्क दिखाता हूँ और वो पूरा एरिया एक्सप्लोर करके आपके साथ शेयर करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न इलाका है यार ये वाला, जैसा कि मैंने नोट किया है, बहुत मॉडर्न इलाका है और बहुत अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं। अभी मेरी स्नैप बैग आ गई है यहाँ पर, और अभी मैं जा रहा हूँ नसरुल मुल्क मास्क, तो वहाँ मिलते हैं आपके साथ नसरुल मुल्क मास्क। जुड़े रहें वीडियो के साथ एंड तक देखें। सो फाइनली गाइज, हम पहुँचा हैं नसरुल मुल्क मास्क में। ये आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ टैक्सी ने उतारा है, और यहाँ से ये थोड़ी सी पैदल राइड है, बल्कि पैदल मार्च है। फाइनली गाइज, ये है कुछ बाहर का व्यू, और यहाँ से है एंट्रेंस, जो कि अभी हम एंट्रेंस करने जा रहे हैं। कुछ इस तरह का व्यू है जिस तरह आप जब इंटर करते हैं, तो कुछ इस तरह का आउटसाइड का व्यू आपको मिलता है यहाँ पे। और एंट्रेंस इस साइड से है, जहाँ से आपको ये आप देख सकते हैं, यहाँ से लोग इंटर कर रहे हैं। और क्योंकि ये मस्जिद है, तो इसके एहतराम के लिए यहाँ पे ये आपको कुछ इस तरह का लिबास देते हैं, जो कि खवातीन के लिए होता है, और वो यहाँ से आते हुए लेती हैं, पेन के अंदर आते हैं फिर। और ये आप देख सकते हैं इस साइड पे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। और कुछ ऐसा व्यू है जी, और टिकट जो फॉरेनर के लिए है वो तकरीबन $2 है, 1 मिलियन रियाल, जो कि $2 के बराबर होता है, और लोकल्स के लिए सस्ता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है उनके लिए कितना है, तो वैसे तो मुझे कोई ना कोई लोकल मिल जाता है जो टिकट लेके देता है, लेकिन इस बार कोई नहीं मिला, इसलिए मुझे 1 मिलियन रियाल जो है पे करना पड़ा। तो ये और साइड का व्यू है जो मैंने अभी आपको दिखाया। सो गाइस, अंदर तो मैं आ गया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं रश काफ़ी ज़्यादा है, और लोकल भी बहुत से हैं, और यहाँ पे फॉरेनर भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। और जो मोस्टली फॉरेनर यहाँ पे आए हुए हैं, वो जापानीज़, कोरियन, मलेशियन और चाइनीज़, इस तरह की उनकी शेप है। मलेशियन मैंने अभी देखे हैं कुछ, और ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कुछ लोग बैठे हुए हैं, और इस तरह की है लोकेशन। सो गाइज, यहाँ से जब आपने एंट्री करनी है, तो सबसे पहले आपने अपने जूते वगैरह उतार लेने, क्योंकि उनके साथ आप अंदर नहीं जा सकते, तो हमने भी उतार लिए। और फन भी और इनसाइड द मॉस्क, और ये आप देख सकते हैं फेमस पिंक लाइट्स, ये लाइट्स हैं जी, जिनकी सारी कीमत है और जिनके सारे नज़ारे हैं जो लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। जब बाहर से सूरज की रोशनी पड़ती है, तो ये जो इसका आर्किटेक्चर और ये जो बनी हुई है इस तरह से, कि अंदर इसके बिल्कुल ये पिंक लाइट्स बहुत ही मज़े का नज़ारा पेश करती हैं। ऑल द वे टू दैट साइड यू कैन सी दिस, वाह, यहाँ पे लोग पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं। और यहाँ तक
ये सारी लाइट्स जो इस तरह पड़ती हैं और आप कुछ इस तरह का व्यू ले सकते हैं लाइट्स का। आप देख सकते हैं ये लाइट्स कुछ इस तरह की। बाकी कुछ इस तरह की ये मस्जिद है, आपको इसका आर्किटेक्चर भी दिखा देते हैं। लाइट्स तो खैर आपने देखनी ही है और देख भी ली है। और कुछ इस तरह का है ये आर्किटेक्चर, ये पर्शियन है जो आर्किटेक्चर है, ये पर्शियन है। और ये जो मास्क है ये 1876 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1888 में इसको कंप्लीट किया गया था, आलमोस्ट 12 साल का अरसे में। यह है जी एंट्रेंस, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में इस तरह की लाइट्स पड़ती हैं। अभी हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं, सब लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। मस्जिद के अंदर का व्यू तो आपने देख लिया। और ये है जी एक दूसरा पार्ट, यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें रखी गई हैं बेचने के लिए। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है साथ में, और ये आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह का है यहाँ पे। देख सकते हैं ट्रेडिशनल चीज़ें, अगर कुछ आप यहाँ से यादगार लेके जाना चाहें तो आप ले सकते हैं। और ये फिर बाहर का व्यू, ये है नासिर मास्क। तो ये थी जी मिनिएचर गैलरी, और ये है जी बाहर का व्यू, धूप निकली हुई है और फुल पिंक लाइट का नज़ारा है। अभी दिन के 10 बज रहे हैं और ये आप बाहर का व्यू चेक कर सकते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और जो डिटेल्स वगैरह मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो बहुत ही प्यारी जगह है, अगर आप शिराज में आते हैं तो इसको लाजमी विज़िट करें, और बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है यहाँ पे। तो ये थी वीडियो आज की इस मस्जिद के हवाले से, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे किसी नई जगह पर। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त शिराज से, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।